अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो मेरी ईद सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू केयर फॉर योर हैंड्स फॉर एनी ओकेजन। तो अभी ईद का मौका है तो उसके हिसाब से जो है चलें फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, सबसे पहले आजकल क्योंकि गर्मी बहुत है और काम करने की वजह से हाथ अजीब ड्राई हो जाते हैं और मतलब कई लोगों के तो फटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये है कि सबसे पहले आप कोई भी स्क्रब ले लें और अपने हाथों को अच्छे तरीके से स्क्रब कर लें, अच्छे तरीके से दोनों साइड से स्क्रब कर लें। आप इसे होममेड स्क्रब भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई ये बॉटल वाला स्क्रब ही हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये वाला स्क्रब है। अच्छा, सबसे पहले स्क्रब कर लें एंड उसके बाद जो आएगा प्रोसीजर वो ये आएगा कि आप कोई भी मास्क बना लें। आप घर में भी बना सकते हैं मास्क, मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे मास्क हैं, मड मास्क भी हैं और मास्क हैं जो कि आप अपने हाथों पे लगा सकते हैं फॉर अ ब्राइटर लुक। हल्दी वाला भी हो गया है। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक सिंपल मड मास्क लिया है हॉलीवुड स्टाइल का, इसको मैं अप्लाई करूँगी और जब तक ये ड्राई नहीं होगा मैं इसको अपने हाथों पर लगा के रखूँगी, जिसकी वजह से हाथ थोड़े से ज़रा ब्राइटन अप हो जाते हैं, थोड़े बेहतर हो जाते हैं, कम्प्लेक्शन हाथों का बेहतर हो जाता है, टेक्सचर हाथ का बेहतर हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली धूप में निकलने की वजह से जो है ना हाथ बहुत आपके जो है ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने कोई भी बहुत रिच मॉइस्चराइज़र ले लेना है और आपने अपने हाथों पे अप्लाई कर लेना है। और ये प्रोसीजर वैसे आपको जो है वैसे भी दिन में करते रहना चाहिए, जब भी आप अपने हाथ धोएं, आप अगर बर्तन धोएं या कपड़े वगैरह भी वॉश करें उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, तो उससे आपका जो हाथों का नेचुरल मॉइस्चर होता है वो लॉक हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, हाथ काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं। आपको पता है गर्मियों में आपके जो नकल्स वाला एरिया होता है वो भी बहुत काला हो जाता है और अजीब सा हो जाता है, तो इसने उसको भी साफ़ कर दिया। सो डू ट्राई इट आउट एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी वीडियोज़ जो चैनल पर अवेलेबल हैं उनको काइंडली आप व्यू करें और शेयर करें।